एक तरफ तो मणिपुर में हुए हादसे के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं लोकसभा चुनाव में 26 दलों के महागठबंधन में अपना नाम यूपीए से बदलकर इंडिया कर दिया। स्वाभाविक था, नाम की सियासत पर सवाल उठना ही था। संसद में हंगामे के साथ ही बीजेपी जिन राज्यों में सत्ता पर काबिज है, वहां से भी आवाजें कांग्रेस के खिलाफ उठने लगी और इस मामले में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि काले कपड़े तो तब पहने जाते हैं जब कोई स्वर्ग सिधार जाता है। काले कपड़े तो मातम में ही डाले जाते हैं। अब ये जो नई पार्टी बनी है, इसका जन्म लेने के साथ ही कोई ना कोई स्वर्ग सिधार गया होगा, इसीलिए काले कपड़े डाल के आए। वहीं देश में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता कानून पर आयोग ने लोगों से ऑब्जेक्शन मांगे हैं और कुछ लोग इसके विरोध पक्ष में हैं। इस पर अनिल विज ने कहा कि यूसीसी मतलब सबके लिए समान नागरिक संहिता, यानी सभी के लिए एक कानून। सुनिए, यूसीसी है सबके लिए समान नागरिक संहिता, अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग ना होके सरकार के लिए सभी लोग एक हैं, सभी लोग समान हैं, वो उसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। नहीं, कुछ लोग तो पैदा ही विरोध करने के लिए हुए हैं, वो तो दिन चढ़ेगा तो भी विरोध करते हैं, रात होगी तो भी विरोध करते हैं। अब इसमें किसी को क्या ऐतराज है कि सबको समान नज़र से देखे सरकार? ये तो ऐसा तो शुरू से माना गया है कि सरकारों के लिए सबको समान नज़र से देखे। एक बात तो तय है कि विपक्ष पर लगातार गृह अनिल विज हमलावर रहते हैं और कांग्रेस पर करारा व्यंग करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। सूर्य समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट।